तो दोस्तों आज हम बिना पकौड़े के भी इतनी टेस्टी कढ़ी बनाने जा रहे हैं ना। अगर आपके घर कोई गेस्ट भी आएगा तभी आप इसे ये बिना पकौड़े की कढ़ी बना के जरूर खिलाएंगे। इतनी टेस्टी और यमी बनेगी ये कढ़ी। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने ले लिया है 1 कप छाछ का। अगर आपके पास दही हो तो आप 1 कप दही भी ले लीजिए, लेकिन दही या छाछ आप जो भी लें थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें डाल देना है 3 चम्मच बेसन के। तो यहाँ पे हमने जो खाना वाला चम्मच होता है ना, मैंने वही यूज़ किया है। तो इससे हम चम्मच से डाल देंगे 3 चम्मच बेसन के। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या हम इस समय नमक डालेंगे तो हमारी कढ़ी फटेगी तो नहीं, लेकिन नहीं, आपकी ये कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और एकदम क्रीमी क्रीमी आपकी ये कढ़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन दोनों को डालने के बाद पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो गोटलियाँ है वो सारी निकल जाए। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसन और छाछ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 और कप इसमें छाछ डाल रही हूँ। अगर आप दही डाल रहे हैं तो आप दही 1.5 कप ही डालिएगा। उसके बाद हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो अब हम चलते हैं केस की तरफ। तो यहाँ पे हमने रख दी है कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल के। तो जब तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच राई, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच सौंफ का, और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे हींग। दोस्तों हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है तो हींग आप ज़रूर इसमें डालिएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 लौंग। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ग्रेटक अदरक। तो यहाँ पे 1 इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च। तो ये थोड़ी कम तीखी वाली हरी मिर्च है। उसके बाद हम क्या करना है, इस सब को अच्छे से भून लेना है। तो दोस्तों मेरे कहने पे अगर आपने एक बार इस तरह से कढ़ी बना ली तो आपकी कढ़ी फटेगी भी नहीं और एकदम क्रीमी और टेस्टी बहुत बनेगी, और आप पकौड़े वाली कढ़ी को भी खाना भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी और यमी बनेगी ये कढ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। अगर दोस्तों आपके पास थोड़े से मेथी दाने हो तो आप 4 से 5 इसमें मेथी दाने भी डाल दीजिए, लेकिन मेरे पास अभी नहीं थे इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे बेसन का गोल जिसे हमने बना के रखा था। लेकिन एक बार आप ध्यान रखिएगा, आप बेसन के गोल को जब भी इसमें डालें तो आप इसे पहले छान के ही डालें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने बेसन का गोल छान के डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी का। पानी डालने के बाद हम इसे 1 उबाल आने तक अच्छे से चलाते रहना है। जब तक कढ़ी में 1 उबाल नहीं आता है तब तक आप इसे कंटिन्यू चलाते ही रहें। तो बस इसी तरह से आप इसे चलाते रहें। तो ये देखिए दोस्तों, कढ़ी में 1 उबाल अच्छे से आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कढ़ी को पहले ढक लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ढक्कन को आधा ही लगाएंगे, और हमें इस कढ़ी को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है। आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहें, और कोई आपको काम भी करना हो तो आप इसे काम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। इतनी क्रीमी और टेस्टी लग रही है ना कढ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, कढ़ी में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो इन दोनों को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तो अब हम क्या करेंगे, कढ़ी में हम डाल देंगे थोड़ा सा तड़का, तो इस कढ़ी का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम रख देंगे 1 पैन। तो यहाँ पे हमने रख दिया है पैन, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल का। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच तेल का। दोस्तों अगर आपको घी पसंद हो तो आप तेल की जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, 1 चम्मच तेल की जगह पे 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच राई। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 लाल मिर्च। जब राई और जीरा चटकने लग जाए तब हम इसे कढ़ी में लगा लेंगे तड़का। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को कर लिया है बंद। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी कढ़ी भी आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया है 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे भी हम इस पैन में डाल के इसमें तड़का अच्छे से लगा लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा तड़का पूरा बन चुका है।
इसे डाल दीजिए कढ़ी में। अगर दोस्तों आपको थोड़ी कढ़ी थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके थोड़ी सी पतली भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बिना पकौड़े के भी कढ़ी इतनी टेस्टी और यम्मी बन के तैयार हो चुकी है और ये कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटी है। अगर आपने इस तरह से ये कढ़ी बनाई तो आपकी कढ़ी भी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।